नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरपूर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम आज सवेरे में। दोस्तों, आज की सुबह बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अपने मेहमान से आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज के विचार पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर दिखें ना दिखें, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी का एहसास कभी भी नहीं होता। वो जब पर्दे पर आते हैं तो मानो छा जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्सेटाइल एक्टर पवन मल्होत्रा जी की, जिन्होंने बाग बहादुर और सलीम लंगड़े पर मत रो जैसी शानदार फिल्में दर्शकों को दी और साथ ही साथ नुक्कड़ जैसे मास्टरपीस भी दिए। पवन मल्होत्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन जी, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक शानदार सफर को जिया है फिल्मी जगत में, हिंदी सिनेमा में। कैसा रहा आपका सफर? सबसे पहले आप अपने सफर के बारे में बताइए। पहले तो मैं सभी देखने वालों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत सालों बाद DD दूरदर्शन के स्टूडियो में आया हूँ। और हम दिल्ली में थिएटर करते थे और उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था कि फिल्मों में काम करेंगे, इस तरह मुंबई जाएंगे। शौक था, अच्छा लगा और धीरे धीरे उसमें रमते गए, अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करते रहे। और उन दिनों थिएटर में जो पैसा था वो दूरदर्शन में ही हमें जो भी मिलता था स्किट्स करके या प्लेस करके, तो दूरदर्शन से एक पुराना नाता रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज दूरदर्शन में मैं इस तरह से बैठ के मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। और जबकि मैं एक टाइम पे कॉरिडोर्स में हम घूमते थे कि कोई प्ले या स्किट्स करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पवन जी, आपने अलग अलग तरह के रोल किए हैं, सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा भी किया है और हास्य रोल भी किए हैं। कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर पाते हैं अलग अलग रोल करने के लिए, अलग अलग तरह से ढलने के लिए? अगर आप एक्टर हैं, कलाकार हैं, अब फिल्मों में उसको या थिएटर में भी, पर फिल्मों में ज़्यादातर आप उसको तरह तरह से बांट सकते हैं कि अप्रोच कुछ लोगों के होती है, उनका एक स्टाइल है और जो भी आप उनको फिल्म या किरदार देते हैं वो अपने स्टाइल से उसको करते हैं, चाहे किसी भी तरह का हो। और ऑडियंस उसको पसंद भी करते हैं क्योंकि उनकी अदाएँ, उनका स्टाइल, वो सब उनको पसंद। लेकिन कई बार मुश्किल नहीं होती है कि एक तरह के रोल करते हुए कई बार होता है कि उसमें रम जाते हैं और फिर दूसरी तरह का जब रोल करना पड़ता है तो कितनी मुश्किल आती है? वो तो एक्टर का काम है। मुश्किल तो देखिए, हर किरदार जो आप करेंगे, कोई भी किरदार आसान नहीं होता है। आप जो भी किरदार करेंगे उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। हमेशा मैं कहता हूँ ये दिल और दिमाग का एक कनेक्शन होता है और हर एक किरदार में कई तहें होती हैं। और कोई भी किरदार आप एक्टर घर से, जो एक्टर है वो घर से नहीं, जैसे मेरी जो अप्रोच है, मैं अपने घर से कुछ नहीं लेके जाता हूँ, जो स्क्रिप्ट है उसी को देखता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ वो जो किरदार का बीज है वो उस स्क्रिप्ट में ही है, जो आपके हाथ में एक कहानी आती है उसमें जिस तरह से किरदार बोलता है या कहता है, और आपका अलग अलग अप्रोच हो सकती है, आपका अलग अलग तरीका हो सकता है किरदार को समझने और उठाने का। और वही बीज है जहाँ से आप चाहे उस बीच से झाड़ी बना लीजिए, चाहे एक पेड़ बना लीजिए, चाहे जंगल बना लीजिए, लेकिन सब कुछ उसी में से है। जैसे किसी ने एक बार ये यूं ही बोला था कि अरे फलां फलां ने अच्छा किया लेकिन ही कुडंट गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, मतलब उसने स्क्रिप्ट से आगे कुछ नहीं कर पाया। पर मैंने बोला कि बियॉन्ड द स्क्रिप्ट तो कोई बात होती नहीं है। अगर जितना भी आपने सोचा है और अगर वो सही है, वो किरदार के साथ जाता है, तो वो स्क्रिप्ट में ही था, वहीं से आप उसको सोच पाए। आप अपना कुछ नहीं लेकर आते, ये आप पे मुनसर है कि आप कितने अच्छे कलाकार हैं कि कितना उसमें सोच सकते हैं। और जब बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है या कोई हम कहानी अच्छी कह रहे होते हैं तो उसमें एक अच्छी, जैसे कविता में या पोइट्री में एक तह होती है, ऐसे किरदार में भी तह होती है। बहुत बारी तो कुछ कलाकार हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जिसको बैक स्टोरी बोलते हैं, कि जो चीज़ शायद वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं जाएगी, जो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम कई बार तय करते हैं कि ये
इसका बचपन कैसा रहा होगा, या अगर उसमें ज़रूरत महसूस होती है, या परिवार का हो सकता है हम उस फिल्म में उसका घर कभी ना दिखाएं, उसकी पत्नी उसके बच्चों के साथ उसका रिलेशनशिप कभी ना दिखाएं, दफ्तर तक ही या दोस्तों तक ही सीमित रहें, ये किस तरह के माहौल से आता होगा, क्या सोच होगी, तो वो कई बार आपको अपना किरदार बनाने में वो मदद देती है। कई बार आप पर ये भी ठप्पा लगता है कि आप कैरेक्टर रोल ही करते हैं, तो ऐसे में क्या रिएक्शन होता है जब ऐसा कोई बोलता है? तो बहुत ही हाल में किसी ने, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप पहले मेन रोल करते थे, मेन लीड्स किया करते थे, अभी आप कैरेक्टर कर रहे हैं तो कैसा लगता है? तो मेरा जवाब था कि मैं तो मेन लीड भी कैरेक्टर ही करता था। सलीम लंगड़े पे मत रो अगर की तो मैंने किरदार पकड़ के की, या बाग बहादुर की तो दोनों एकदम अलायदा किरदार थे, वो बैक टू बैक दोनों फिल्में की, दोनों को बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला था। इनफैक्ट बाग बहादुर तो दूरदर्शन ने प्रोड्यूस की थी और बिल्कुल अलायदा। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ बहुत ही, कि और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तो सलीम लंगड़े पे मत्रो जैसी फिल्म मुझे, पहली फिल्म मुझे करने को मिलती है, और वो अभी फिल्म फाइनल प्रिंट तैयार भी नहीं हुआ था और मुझे बाग बहादुर जो कि एकदम अलायदा किस्म की फिल्म, अलायदा किस्म का किरदार, वो मिलता है करने को। और दोनों फिल्में ऐसी कि जिसमें आप टाइटल रोल कर रहे हैं और फर्स्ट सीन से लेकर आखिरी सीन तक है। मत मारो भैया, चोट लग जाएगी ना। मेरे को चरस काय को नहीं मिला, मैं फंस गया अनीस। काय को मेरे को चरस नहीं मिला। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ पर नहीं निकल सकता। आप अगर एक्टर हैं तो आप तरह तरह की कहानियां, अलग अलग किरदार, किरदार के नाम से जाने जाएं तो और ज्यादा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। जैसे बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कोई आके मिला और उसने, और ये एक बार या दो बार ही नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है कि कोई आके मुझसे मिला और उसने बोला, अरे आपकी सलीम लंगड़े पे मतरो देखता था और बाग बहादुर कई बार टीवी पे देखी और ब्लैक फ्राइडे तो यू वर ऑसम सर, और भाग मिल्खा भाग में क्या काम किया, और फलां फिल्म में क्या किया, रोड टू संगम में तो मैंने पहचाना ही नहीं था, बाद में बताया गया, पर सर बिग फैन, पर आपका नाम क्या है? तो शुरू में मुझे कई बार लगा, फिर मेरे एक डायरेक्टर दोस्त ने बोला कि Do you realize, as an actor, आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि ये आपके किरदारों से आपको जानते हैं। बिल्कुल। और बहुत कम एक्टर्स हैं जिनको, जो अलग अलग फिल्मों में अलग दिखते हैं और अलग अपने किरदार को पकड़ के चलते हैं, तो जो कि बात सच भी है, लेकिन फिर भी कलाकार होने के नाते आप चाहते हैं कि मेरी कला को सराहे लेकिन मेरा नाम भी जाने, तो वो एक हमेशा रहता है। तो अभी मैं बहुत बारी बोलता हूँ मेरा नाम पवन मल्होत्रा है। बहुत कम लोगों को पता है कि आप एक फिल्म में वार्डरोब असिस्टेंट भी रहे। मैं पहली, मैंने फिल्म की जो शूट देखा वो गांधी फिल्म का दिल्ली में वार्डरोब असिस्टेंट था। फिर बॉम्बे भी जब गया तो हम एक प्ले के साथ गए थे और वहां पर मुझे जाने भी दो यारों में काम ऑफर किया गया, और आसपास जो दोस्त बैठे थे और मैं उस वक्त सोच रहा था कि आना चाहिए क्योंकि सैलरीज बहुत कम थी, तो मैं सोचता था कैसे जिएंगे इतने पैसे में। तो उन्होंने बोला भाई 4-5-6 महीने के लिए आ, देख, पसंद आए तो रुकना नहीं, तो गिव योर सेल्फ अ चांस, एक बार आके देख तो सही, नहीं तो हमेशा सोचेगा गया नहीं। और उसमें मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था और क्योंकि मैंने वार्डरोब में काम किया था तो मुझे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे उनके साथ डायरेक्टर ने बोला तुम इनकी मदद करो, तो प्रॉप्स भी करता, हर काम करते थे। उन फिल्मों में जाने भी यारों जैसी फिल्में जो हैं उनके बजट से इतने कम होते थे कि सभी लोग सब काम करते थे, और ये नहीं कि मैं सिर्फ यही करूँगा, पर और शौक भी था, हमारे लिए सब नया था। और मुझे हमेशा एक चीज़, जो आज भी मैं लोगों से कहता हूँ कि जो भी काम करें अपने काम से प्यार करें, और अगर आप आर्ट में हैं जैसे हम सिनेमा में हैं, या तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप अपना पूरा जो है, और आर्ट में कोई 100% कुछ चीज़ है भी नहीं, क्योंकि जब आप कहानी सुना रहे हैं तो ह्यूमन इमोशन की बात करें जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही होता है, इतना ही, उसको किसी सीमा में बांध नहीं सकते, वो जितना आप सोचते जाएंगे उतना वो फैलता है, खुलता जाता है, तो उसमें आप कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बोला वो बीज है, उसमें से आप कितना देख सकते हैं, उसकी तहों में कितनी बार आप देख कर उसमें ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन कई बार आप काम से बहुत लंबे समय के लिए ब्रेक भी ले लेते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? जबकि सिनेमा के लिए कहा जाता है कि जब तक आप पर्दे पर दिख रहे हो तब तक आप बिक रहे हो, तो इतने लंबे समय के लिए ब्रेक लेना, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका करियर डाउन भी हो सकता है? उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ब्रेक इसलिए नहीं कि ब्रेक लेनी है,
हफ्ते 10 दिन की एक बैक टू बैक फिल्म में ब्रेक काफ़ी होती, कई बार ऐसा हुआ। कुछ ब्रेक्स मजबूरन हैं कि उसमें ऐसा है कि आपको जो काम या तो उस गैप में आया नहीं, या आया तो ऐसा वाला आया जो आप जिसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप एक्टर हैं, इस प्रोफेशन में हैं, तो आप पॉज लेना भी सीखिए। यू डोंट हैव टू से यस टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि जो भी आया हाँ बोल दीजिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि रोज कुदाल उठा के खेत में जाके खुदाई करनी है। उसमें भी जमीन को वो एक फसल और दूसरी फसल के बीच में थोड़ा टाइम देते हैं। जो आपको पसंद है, जो काम आप करना चाहते हैं, वही कीजिए। जैसे जैसे आप कह रही हैं कि गायब हो जाते हैं, तो मुझे बहुत पहले एक डायरेक्टर ने बोला, सर आप बीच बीच में कभी गायब हो जाते हैं फिर अचानक वापस आते हैं, कमाल का कुछ काम होता है। तो मैंने बोला, हम तो भाई मचान पे बैठे हैं, शिकारी हैं, हम एक सही शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसीलिए मैं एक्टर्स को बोलता हूँ कि डरिए मत, बेस्ट है कि टाइम देखिए कम है। अगर आप एक्टर हैं या कहानी कहने वाले हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, टाइम कम है, बिकॉज बहुत सारी कहानियाँ कहने हो गए, बहुत सारी चीज़ें एक एज के बाद शायद मैं स्कूल बॉय या कॉलेज का वो नहीं कर सकूं। पर अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं, इस ये आपने अपने लिए काम चुना है, तो हमेशा कहता हूँ पेड़ की पेशेंस, कि आंधी तूफान जो पेड़ झेल गया उस वही उसकी जड़ ही नीचे पकड़ेगी। कि अगर आप बोल रही हैं कि बीच में गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो किरदार पहले किया हुआ है वो लोगों के जहन में है, वो लोगों को याद है। नुक्कड़ आज भी लोग बात करते हैं, मैं ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी नुक्कड़ और सलीम लंगड़ा के सहारे जीना चाहता हूँ, लेकिन आपका बॉडी ऑफ वर्क अगर लोगों को याद है तो वो एक अपने आप में एज एन एक्टर कॉम्प्लीमेंट है। और परसिवरेंस घास की, कि सुबह लोग लॉन में आते हैं, चलते हैं, घास बैठ जाती है, दोपहर में फिर खड़ी हो जाती है, फिर शाम को लोग उस पर चलते हैं, रात में फिर खड़ी हो जाती है। तो एक ये जो अगर ये प्रोफेशन चुना है, तो एक आप उसको परसिवरेंस कह लीजिए, ढीठपना कह लीजिए, या इंतज़ार कह लीजिए, या अपने आप में एक विश्वास कह लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। और ऐसा नहीं है कि जब मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में विश्वास, बहुत सारे वक्त ऐसा भी आता है जब आप थोड़ा सा डामाडोल होते हैं, एंड ऑफ द डे आपको बिल्स पे करने हैं, क्योंकि बिजली वाला नहीं बोलेगा कि आपने पिछली फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था इसलिए 4 महीने बिजली का बिल मत दीजिए तो हम काटेंगे नहीं, या टेलीफोन वाला। तो उसमें फिर ये होता है कि बेस्ट जो आपके सामने अवेलेबल है आप उसको पिक करने की कोशिश कीजिए। आपने अभी नुक्कड़ की बात की, नुक्कड़ नाटक के दौरान आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, आपके इतने ज़्यादा फ़ैन बन गए थे कि एक बार जब आप अपने पिताजी से मिलने अपने घर पर गए, शायद पिताजी के ऑफिस में गए, और उस दौरान आप इतनी फैंस की भीड़ लग गई, लोगों ने आपको घेर लिया, इनफैक्ट पिताजी को उस वक्त गर्व का एहसास हुआ कि मेरा बेटा शायद आज बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि पहले शायद वो आपके जो है थिएटर में जाने के पक्ष में भी नहीं थे। क्या था वो वाकया? देखिए, उन्होंने थिएटर से ऐसे रोका तो नहीं था, पर एक एज के बाद जब स्कूल ख़त्म होने को आया तो उनको लगा कि अब ये काम जो बिज़नेस जो है हमें सीखना चाहिए, और थोड़ा कंसर्न जो माँ बाप का होता है, जैसे बॉम्बे जाने के बाद भी बोलते थे कि एक ब्रांच वहाँ खोल देता हूँ, तो मैंने बोला या ये काम कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ। और कुछ सालों तक तो मैं 2-3 साल तक प्रोडक्शन ही करता रहा जब तक नुक्कड़ मुझे नहीं मिला, और ये सब मेरी झोली में आया, भगवान ने किया, डेस्टिनी ने किया। और नुक्कड़ बहुत पॉपुलर था और सभी किरदार उसमें पॉपुलर थे, हम थोड़ा एक रोमांटिक था किरदार निभा रहे थे तो उसकी अपनी एक अलग थी। तो मेरे फादर की बिजनेस मशीन टूल्स का, MBC टूल्स के नाम से, चावड़ी बाजार में, हौज काजी में हमारे, तो मैं पहले भी वहाँ खूब गया था। अब नुक्कड़ के बाद गया तो अब तो एक तरह से पवन होत्रा एक अलग इंसान था, क्योंकि एक्टर होकर आए थे, तो वहाँ भीड़ सी उनके ऑफिस में लगी और हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, फिर कुछ लोगों ने बोला कि ये भीड़ को नीचे ले जाते हैं, फिर कुछ देर बाद वो मेरे फादर के पास आए कि आप उनके कैबिन से अगर हम खिड़की खोलें तो सड़क की तरफ खुलती थी, कि एक बार ही उनको वहाँ बुला लीजिए क्योंकि लोग नीचे देखना चाह रहे। तो अब पुरानी दिल्ली में वैसे ही 2-4 आदमी एक साथ खड़े हो जाएं तो सड़क पे अभी कोई 50-60 आदमी, फिर उनको देखने के बाद और लोग, और उन दिनों बहुत पॉपुलर था वो, और वो सब लोग हरी हरी करने लगे और मैं जैसे स्टार्स जनरली खड़े होकर वेव करते हैं, ऐसा कुछ माहौल था। और एक टाइम पे मैंने मुड़ के देखा तो मेरे फादर मेरी तरफ, वो एक्सप्रेशन एज एन एक्टर मैं रिक्रिएट नहीं कर पाऊंगा पता नहीं क्यों, बिल्कुल उनके चेहरे पर एक गर्व और हैरानगी जो होती ना कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा एक मिक्सचर था कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि इतने लोग, और एक्चुअली नीचे सब जाम हो गया, कुछ 100 आदमी नीचे खड़ा होगा। तो वो मोमेंट, और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए कंसर्न थे,
कि एक बिजनेसमैन फादर यही सोचता है किसी भी बेटे के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है जब उसका पिता जो है गर्व करे उसके काम मुझे पर। वो मोमेंट मुझे कभी नहीं भूलेगी और मैं एज एन एक्टर उसको रिक्रिएट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शायद उनके अंदर इतना कुछ हुआ कि वो चेहरे पर कई सारे हाव भाव एक साथ थे एंड आई फील गुड कि उनको लगा कि चलो इसको थोड़ा ठीक है मामला। दूरदर्शन से आपका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है या ये कहा जाए कि दिली जुड़ाव रहा है तो गलत नहीं होगा। आज भी आप दूरदर्शन में मौजूद हैं। पहले जो सीरियल बनते थे जो धारावाहिक बनते थे क्या कहेंगे कि आज वैसी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है या फिर दर्शकों की जो है सोच बदल गई है अब वैसे धारावाहिक क्यों नहीं बनते? देखिए जब हम बच्चे थे तो दूरदर्शन पे कृषि दर्शन आ रहा था तो वो भी देखने लगते थे क्योंकि वो 7 से 10 आना है और बचपन में हमने दूरदर्शन पे फिल्म देखी है सैटरडे को आधी और संडे को आधी इस तरह से तो हमारे पास तो चॉइस नहीं थी ना कि एक ही था। आज की तारीख में जहां लोगों के हाथ में एक रिमोट है कोई 400-500 चैनल्स हैं हर भाषा हमारे देश में 20 भाषा है में अलग अलग फिल्में और टीवी सीरियल दिखाए जा रहे हैं। आज आप फॉरेन फिल्म्स जो अंग्रेजी की फिल्में हैं या बाहर की दूसरी डब फिल्में होंगी या सबटाइटल्स होंगी वो देखने के लिए आपके पास 10-15 चैनल्स हैं तो ऑडियंस हैव चॉइस। उसके अलावा एजुकेशनल चैनल्स हैं और फिर हमारे अपने सीरियल्स हैं और फिर हमारी फिल्में हैं बहुत सारी। इतनी चॉइस होने के बाद भी टीवी चलता है आईबॉल के ऊपर एडवर्टाइजर चलाता है उसको तो दूरदर्शन तो फिर भी एक सोचा जाता है कि एक सरकार सोचती है कि नहीं हमें कुछ प्रोग्राम्स कुछ तरह की बातें कुछ कहानियाँ कुछ कला लोगों तक पहुँचानी है तो उसमें एक सरकारी पैसा है। बाकी जो प्राइवेट चैनल्स भी हैं वहाँ पर भी अगर आप क्या देख रहे हैं एडवर्टाइजर उसी में पैसा डालेगा। इसमें बनाने वाले 100 लोग हैं लेकिन करोड़ों लोग जिनके हाथ में रिमोट है जो उस प्रोग्राम की TRP कह लीजिए या पॉपुलैरिटी कह लीजिए उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली सच में जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे वैसा क्यों नहीं बनाते हैं और टाइम्स के साथ मुझे लगता है कि वैल्यूज भी चेंज हो गई। वैल्यूज चेंज हुई। देखिए अभी कुछ रिपेयर नहीं होता जो रिलेशनशिप्स में भी दिखेगा। पहले कार का मैकेनिक कार का पुर्जा ठीक करता था पहले वो डायग्नोज करता था कि भाई कार को ये बीमारी है इसको हम ये दवा देंगे या ये तार लगाएंगे या इसको खोल के कार्बोरेटर को मैं ये करके वापस लगाऊंगा। अभी वो कहता है ये चीज खराब है इसको बदल डालिए। लाइट अगर लाइट का हिस्सा ऊपर से टूटेगा तो पूरी की पूरी लाइट बदलते हैं उतना हिस्सा नहीं अभी बदलते हैं अभी पूरी और वो शायद जिंदगी में भी आ रही है सोच में भी आ रही है शायद ऐसा हो सकता है कि हम उस तरह के वापस प्रोग्राम्स बनाए और सिर्फ नुक्कड़ ही नहीं तमस बना डिस्कवरी बना हम लोग बना ये जो जिंदगी बना मैं हर तरह के बोल रहा हूँ कि उसमें कॉमेडी भी थी और ऐसे कुछ और भी जो लोगों को आज भी याद है और लोग उसके बारे में बात करते हैं लेकिन शायद नई जनरेशन उसको सपोर्ट ना करे या हम जो देख रहे हैं वो देखने वाले देख रहे हैं इसलिए वो आपको दिखाया जा रहा है इसलिए दिखाया वो आपके कंट्रोल में है। तो जितनी भी करोड़ों जनता है जो देख रही है जिनके हाथ में रिमोट है जिस दिन आप जिस तरह का प्रोग्राम देखना चाहते हैं ढूंढ के उस पर चले जाएंगे या थोड़ी देर के लिए रिमोट टीवी बंद करके रख देंगे दूरदर्शन में भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। आज भी अगर आपको क्लासिकल सिंगिंग या क्लासिकल डांस देखना हो तो दूरदर्शन ही एक सोर्स है बिल्कुल और जो आप जैसा अपने बच्चों को अभ्यास करवाएंगे उसी तरह से वो बड़े होंगे उसी तरह की वो चीज़ें अप्रिशिएट करेंगे। और ये भी बात सच है कि कोई भी कला एक आपको एक थोड़े वक्त के साथ अभ्यास के साथ या आपको एक थर्टन मेच्योरिटी के साथ और हम सब लोग एक ग्रो करते हैं उसको आप अप्रिशिएट करना सीखते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि करेले का स्वाद जो है वो एक उम्र के बाद ही उस समझ में आता है इसी तरह अच्छा काम भी उसी तरह। तो आप हाउ वेल यू ट्रेन योर चिल्ड्रन और एट द सेम टाइम ये भी बात सच है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग एक ही तरह का चीज पसंद करें। ये फिल्म और कला तो एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का रंग का फूल होना चाहिए। आपने थिएटर टेलीविजन फिल्में सब कुछ की हैं कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया और आगे भी करते रहना चाहेंगे? शुरुआत तो थिएटर से की जो कि बहुत ही अच्छा लर्निंग ग्राउंड था जिसमें सही मायने में आपको सीखने को मिलता है किरदार कैसे बनाने हैं किरदार के बारे में कैसे सोचना है। टीवी भी किया और उन दिनों तो टीवी में जब हम प्ले करते थे तो शुरू से लेकर आखिर तक वो 3 बड़े कैमरास चलते थे और वो अपनी जगह से इधर से उधर जाते रहे अगर कोई भूल गया तो वापस शुरू करना पड़ता था वो रीटेक पूरा का पूरा होगा उसमें ऐसा नहीं था कि हम कट करके ये कर लेंगे वो जमाना था। फिर हम फिल्मों में गए
देखिए लोग कहते हैं थिएटर बहुत मुश्किल है, कोई भी चीज़ मुश्किल है, थिएटर में रीटेक नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन 2 महीने की रिहर्सल्स होती और आप पहले सीन से दूसरे सीन की तरफ और दूसरे सीन से तीसरे सीन की तरफ बढ़ते हैं, इस तरह आप आखिर तक जाते हैं और कभी आप थोड़ा फंबल कर गए तो ऑडियंस आपको माफ़ भी कर देती है। सिनेमा में सिनेमा ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप अच्छा, मैं अच्छे एक्टर किरदार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक ही जो डायलॉग है वो शायद 3 डिफरेंट शॉट्स में डिवाइड किया गया, उसमें रीटेक मिलता है, ये बात सच है कि वो आपको, लेकिन फॉर एन एक्टर टू री, वो थिएटर वाले एक्टर से जैसे मैं पूछूं कि भाई अगर स्टेज पे, मैंने जो किया भी हुआ है, मैं स्टेज पे रहा हूँ इसलिए ये बात बोल सकता हूँ कि बीच में अगर कोई ऑडियंस बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं या कोई फ़ोन बज गया तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर आपको वापस किरदार पकड़ना मुश्किल होता है ना, क्योंकि इस तरह से आपने अपने माइंड को उसी तरह से सेट किया हुआ है एंड यू आर परफॉर्मिंग फॉर कैमरा, जो लेंस देख रहा है वही ऑडियंस देखेंगे और वो चाहे किसी भी तरह का सीन हो। और ये भी बात सच है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि हो सकता है बहुत सारे एक्टर्स मेरे साथ एग्री नहीं करें और डायरेक्टर, जो ये कहा जाता है ना कि मैं अपने किरदार में इतना समा गया था, खो गया था कि 3 महीने में मैं वैसा ही जी रहा था और कुछ सोच ही नहीं रहा था और उसी किरदार की तरह सोच रहा था। सोचता है एक्टर, अच्छा एक्टर जो होगा वो सोचेगा, वो कहीं बाहर दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर रहा है तो जिन दिनों में वो शूट कर रहा है या उस किरदार पर काम कर रहा है तो एक पीछे दिमाग में सबकॉन्शियस में चलता रहता है, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, ये बात सच है। लेकिन इतना खो गया था कि मुझे और दिन दुनिया का पता नहीं था, तो आज तक मैंने 50 शोज में भी स्टेज से किसी एक्टर को गिरते हुए तो नहीं देखा कि वो चलता ही गया उसी स्पॉट पे 50 शोज में आया। या फिल्मों का जो हम किरदार करते हैं, जैसे मैंने एक फिल्म की चिल्ड्रन ऑफ वॉर बांग्लादेश 71 जो क्रिएट हुआ, उसमें मैंने एक पाकिस्तानी सोल्जर का किरदार किया, उस किरदार के लिए मुझे पिछले साल टोपाज फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में बेस्ट एक्टर इन फॉरेन लैंग्वेज फिल्म मिला, वो उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे एक नहीं कुछ इस तरह के मिले कि वी हेटेड यू बट वी लव वॉचिंग यू एज एन एक्टर। या फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पंजाबी फिल्म की ए जन्म तुम्हारे लेखे, भगत पूरन सिंह जी का किरदार किया, जो जाने जाते हैं मदर ट्रीज ऑफ पंजाब, उनके लिए तो मैं ये कहता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये किरदार मुझे मिला है। और ऐसे इंसान 200 साल में 100 साल में एक बार ही आते हैं, और मुझसे लोग बोलते हैं कि जब वो आप किरदार कर रहे थे तो आप में उनकी कोई चीज़ें आई, आपने नहीं, आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उन किरदार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उनसे इंस्पायर्ड होके ज़िंदगी में थोड़ी अपनी सोच आपकी बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं वो हो गया, मैं तो देखिए वो इंसान जिसने आखिर तक भीख मांग के करोड़ लोगों को फ़ायदा किया, एक पिंगलवाड़ा बनाया जिसका कोई नहीं उसका पिंगलवाड़ा है, चाहे वो सड़क पर छोड़ी हुई बच्चियाँ हों, अनाथ बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों जिनके कोई बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहा, चाहे वो मेंटली चैलेंज लोग हो, और अपने लिए कोई बिस्तर नहीं, कोई बाथरूम नहीं, जहाँ जगह मिली सो गए, आखिर तक भीख मांग के इतना कुछ क्रिएट किया, और हम तो उनके पाँव की नाखून की मैल भी नहीं हो सकते। मेरे बछड़े हो, सेवा जिनी मर्जी करवाओ, जिनी मर्जी सेवा करवाओ, पर आऊं मरिया ना करो, मैं तो ऐसे नहीं होता, तो वो तो एज एन एक्टर, हाँ उस वक्त जब मैं शॉट में हूँ उस वक्त उसको महसूस कर रहा हूँ जितना भी कर सकता हूँ, जितनी दूर तक जा सकता हूँ उसमें, जितना वो कर सकता हूँ, वो अलग बात है कि बाद में लोगों ने जो उनको नज़दीक है वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही थे, गुस्सा भी ऐसे ही खाते थे, है ना। तो मैं हर बार भगवान का शुक्र करता हूँ कि जब भी कोई नई फिल्म शुरू करने लगता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर फिल्म नई है, तो मैं हर बार मन ही मन भगवान से कहता हूँ इज्जत रखना। और जब भी कोई फिल्म करने के बाद, चाहे वो सलीम लंगड़े पे मत रहो हो, चाहे बाग बहादुर हो, चाहे ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे रोड टू संगम हो, चाहे मैंने जो ब्रिटिश फिल्म की अंग्रेजी की ब्रदर्स इन ट्रबल हो, चाहे मुबारका हो, जो भी काम किया, जब उसकी तारीफ होती है तो मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब जो चीज़ें थी वो कलाज एक सही जगह बैठा, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि, मैं कहता हूँ फेलियर आर्टिस्ट का हक है, अगर आप एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो आप गलत नहीं जा सकते, लेकिन आप अलग अलग कहानियां चुनते हैं और अलग अलग चुनते हैं, मतलब मेरे पास भी आए, देखिए भगवान, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी कि ये सब जो फिल्में हैं मैं अपने लिए जाके कभी भी अपने लिए काम क्रिएट नहीं कर पाया, और जो भी काम आया वो मेरी झोली में आया।
बिल्कुल, और आपने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, बाग बहादुर हो, सलीम लंगड़े पर मत रो, ये फिल्में हो, या फिर आपकी जब वी मेट हो, या फिर मुबारका हो, तो इस तरह की फिल्में, अलग अलग तरह के रोल आपने जिए और इतना अच्छा, आप शानदार लगातार। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं, जैसे सलीम लंगड़ा है, या भिंडी बाजार है, या ब्लैक फ्राइडे है, या माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस है, तो ऐसा नहीं कि अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं तो वो एक जैसे ही होने चाहिए, एक जैसे, वो भी अलग अलग लोग हैं। या आप पंजाब बैकग्राउंड की कोई फिल्म कर रहे हैं, चाहे वो बदमाश कंपनी हो, चाहे भाग मिल्खा हो, चाहे जब वी मेट हो, या मुबारका हो, वो अलग लोग हैं। ऐसा नहीं कि सिख है, उसने सरदार जी ने पगड़ी पहन ली तो वो एक ही तरह बिहेव करेंगे। दे आर डिफरेंट पीपल, यू नो। तो वो जो एक मजा है ना, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे पुलिस इंस्पेक्टर किया, नो, रुस्तम वाला पुलिस इंस्पेक्टर, या पंजाब 84 का, पंजाब 84 का पुलिस इंस्पेक्टर, या मिसिंग ऑन वीकेंड का पुलिस इंस्पेक्टर, वो अलग-अलग लोग हैं। कुछ चीज़ें उनमें बेसिक एक कॉमन हो सकती हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड कैसी हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं, इस जो हम आपस में इस वक्त वार्तालाप कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन सुन रहे हैं, उनके हर एक का एक अलग रिएक्शन उस पर हो सकता है, हर एक की एक भाव अलग हो सकता है उसको लेकर। वे कुटला है जो लेना ले ले गहना घटा जमीन, मेरा पुत मेनू मोड़ दे वे। आज तेरा पुत की तेरे सारे अगले पिछले बखाऊ मैं तेरी आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आप फिल्मों में गए, आपने अपनी कितनी अच्छी जगह बनाई। कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में, खासतौर पे जो है बॉलीवुड में, गॉडफादर चलता है, और चाहे वो कपूर खानदान हो, खान फैमिलीज हो, तो लेकिन जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं उनको कितना मेहनत करनी पड़ती है, या फिर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उनके लिए अपनी जगह वहाँ पर बना पाना, क्योंकि गॉडफादर कल्चर बहुत फेमस है वहाँ पर। ये बात सच है कि आपकी फैमिली के कुछ लोग अगर उस प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली आसान होती हैं, और कुछ नहीं तो आप उस शहर में रहते हो तो कम से कम आपके पास छत और खाना है। पर ये तो जो बाहर से जा रहे हैं वो उनका डिसीजन है पहले, कि आपको तैयार रहना चाहिए कि एक हल्की जद्दोजहद होगी। फिर सेकंड पार्ट आता है कि आपको पहली ब्रेक मिलने का, वो जो उस जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी इस काम में है उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन वो हर प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में नहीं है, वो आप किसी भी सेक्शन में दुनिया में प्रोफेशंस में देख लीजिए कि भाई मेरे जैसे फादर मशीन टूल्स के बिजनेस में थे तो मेरे लिए मशीन टूल्स के बिजनेस करना आसान था ना, है ना। लेकिन ये भी बात सच है कि मैं बहुत बड़े स्टार्स का नाम लूँगा कि मिस्टर बच्चन जब आए थे अभी के, क्योंकि पुराने का हम नहीं, या शाहरुख खान है, या अक्षय कुमार है, इनका फिल्मों से, आज उनको फिल्म वाले सब जानते हैं ना, इनका फिल्म वालों से कोई कनेक्शन तो नहीं था ना। और फिर एंड ऑफ द डे एक और चीज़ है कि आपको पहले 2-3 मौके 4 मौके मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका काम, आपकी मेहनत, अपनी जगह बनानी, आपकी जगह, वो चाहे कोई भी वजह, ऑडियंस इफ दे लाइक यू, वो आपको पसंद करते हैं, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे लंबा जो है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है, आपको लंबी रेस भागनी है। इसलिए अपना धीरे से चलिए, अपना इलास्टिक खींच के रखिए, और बहुत कुछ है करने को, और ताउम्र में आप जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं और जब तक सामने वाला आपको काम दे रहा है, आप ये काम कर सकते हैं। आपने अभी शाहरुख खान की बात की, शाहरुख खान का आपका भी बहुत पुराना साथ रहा है, आप लोग सेम कॉलेज में पढ़े हैं, और साथ ही साथ दूरदर्शन में आप लोगों ने साथ में काम किया, सर्कस में काम किया, और अब जब आप फिल्मी दुनिया में चले गए, वहाँ पर भी आप लोगों ने कई सारी फिल्में साथ परदेश में की, परदेश की है, डॉन की है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि शाहरुख खान बादशाह बन गए, एक बहुत बड़े स्टार बन गए और मैं कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बिकॉज शाहरुख इज़ अ ह्यूज स्टार, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने वो परदेश और डॉन की उसके बारे में, उन्होंने शायद उनके दिमाग में वही है। तो मैं बोलता हूँ वो मेरा हल्का काम था थोड़ा, एक्चुअली अगर आप बाकी सलीम ना, ऑल्दो कोई काम हल्का नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे। दूसरा ये कहना कि हम, ये बात सच है कि जब मैं नुक्कड़ कर रहा था वो दिल्ली में फौजी कर रहे थे, और क्योंकि मैं बाग बहादुर के लिए गया तो उसी कंपनी में सीरियल था जो बैठ के डिसाइड हुआ कि उस लड़के को बुलाते हैं, तब मैं शाहरुख को जानता नहीं था, जबकि हम एक ही कॉलेज और एक ही इलाके के हैं, हम न्यू राजनगर के हैं, बचपन उसे वहीं बिताया।
और जहाँ तक ये सवाल है कि शाहरुख हमने साथ में काम किया और वो वहाँ पहुँचे, देखिए सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। इवन एक्टिंग को लेकर शाहरुख की अप्रोच एक किरदार को करने की अलग है और मेरी अलग है ना। और हर कोई चाहता है कि मुझे ऊपर जाना है। जैसे किसी ने मुझसे कहा था कि फलाने को चल के मिलिए तो ये काम हो जाएगा, तो मैंने बोला था मैं लिफ्ट नहीं देना चाहता हूँ, मैं सीढ़ी से चढ़ना चाहता हूँ और मुझे जाना है 15-20वें फ्लोर तक। भगवान और मेरा काम मुझे चौथे तक ले जाए या 5वें तक ले, ये रास्ता लेना चाहता हूँ। अब शाहरुख ने बल्कि बहुत अच्छा है कि उसने हमारे बीच में से गया और प्रूव किया, और बहुत बड़ा, मतलब बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि, और वो हिस्ट्री में गिना जाएगा, जो 5-10 लोग हमारी इंडस्ट्री की कहानी जब सुनाई जाएगी तो वो वहां पर बैठा हो। पर देखिए एक और चीज बहुत जरूरी है, कंटेंट होना अपने काम। जिस तरह से मेरे काम का एक सराहा जाता है उस, वो मुझे वो एक हाई देता है। और आप जहां भी पहुंचेंगे, वो जिस पायदान पर शाहरुख बैठा हुआ है, जब मैं वहां भी पहुंचूंगा या वो भी बैठा होगा, ये मेरा अंदाजा, उसको भी कोई दिख रहा है कि कोई और ऊपर बैठा हुआ। आप जहां भी जाएंगे कोई ना कोई बैठा हुआ। इसलिए ये जीवन है, बहता पानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं और पॉपुलर नहीं होना चाहता हूं या और काम नहीं करना चाहता हूं, ऑफकोर्स करना चाहता हूं, लेकिन जो है उसमें कंटेंट रहिए विद एन एम्बिशन। और अगर आप यही देखते रहेंगे कि उसके पास ये, उस तरह जीवन में आपको हर पायदान पे कोई ना कोई ऊपर एक पायदान पे बैठा दिखेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना बंद करते हैं। लेकिन एम्बिशन के साथ हम कितना ऊपर जाना चाहते हैं। शाहरुख ने बहुत मेहनत की है, वो जहां भी आज है उसने बहुत मेहनत की है, उसने दिन रात मेहनत की है। उसको 50,000 चोटें लगी हैं जब उसने एक्शन किया, जो कि हम सबको लगती है जो भी इंडस्ट्री मतलब में किसी पायदान मतलब पर पहुंचा। ये है कि अपने काम करते रहना चाहिए, दूसरे से उतना प्रतिस्पर्धा। यू कैन गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल। पर आप ये सोच लें अरे ये हो गया मैं तो कुछ नहीं, वो तो आप किसी भी पायदान पर पहुंचेंगे फिर आपको कोई हॉलीवुड का एक्टर लगेगा दिखेगा ना। और सबके अपने अपने जीवन का एक, ये जो टाइम के साथ ही समझ आता है, डेस्टिनी जो है जो आपको कहीं लेके जा रही है, और जब वो राइट चल रही है तभी आपकी चीजें दे फॉल इन प्लेस। मेरा ये सोच है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब समय आपके साथ है एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। हम सोच रहे हैं कि मैंने ये किया, आज मैं जैसे ये दूरदर्शन में यहाँ आके बैठा हूँ, सामने से आया ना, है ना, कि मैंने ये पैंतर, नहीं नहीं नहीं, वो आपका टाइम था, आपको सही रोल मिला, आप उसको सही तरीके से निभा भी पाए। जैसे अमजद खान जी के लिए मैं कहता हूँ कि ग्रेट एक्टर इसलिए नहीं कि उन्होंने गब्बर बहुत कमाल का किया, गब्बर के बाद वो वाजिद अली शाह भी कमाल का करते हैं। और रे साहब में एक आंख थी, एक वो जौहरी होता है ना, वो देखता है कि उन्होंने गब्बर से वाजिद अली शाह करवाया जो ठुमरी गाता है शतरंज के खिलाड़ी में। और अमजद खान का साहब का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने 3 महीने अपना पूरा पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने वो निभाया भी बहुत खूबसूरती से। पवन जी आप इतने फिट हैं, इतने हैंडसम भी हैं, कैसे अपने आप को फिट रख पाते हैं? थोड़ा सा ध्यान एक एज के बाद आप सभी को रखना पड़ता है, क्या खाते हैं आप और आपका दिनचर्या कैसा है, वर्जिश किस तरह की आप, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको किसी जिमनेजियम में जाके लोहा ही उठाना होता है। आप योग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आप चलिए, आप दौड़िए पार्क में। और योग जरूरी नहीं है कि आप किसी क्लास में जाके भारी भारी आसन करें, पर जैसे ये ब्रीदिंग है यू नो, कि आप कपाल भाति करते हैं, अलोम विलोम करते हैं, रामरी करते हैं, ये चीज़ें आपके अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ाती हैं ना, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें हेल्दी रहेंगी। आप थोड़ा सा तो आपको, अगर आप कहीं जा रहे हैं लिफ्ट है तो आप सीढ़ी चढ़िए, बिल्कुल। और खाने का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी कहते हैं कि कसरत जो है वो 30% है, खाना 70% है। अगर आप कसरत करते रहें और साथ में मीठा दिन भर खाते रहें और तली हुई चीज़ें खाते रहें कि समोसा से नाश्ता शुरू हो और शाम तक आप कचौरी और ये सब खाएं, जबान को हर एक चीज़ का स्वाद मिलना चाहिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा भी है, हमारे अंदर शरीर में तेल भी जाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा भगवान साथ होना चाहिए ज़्यादा, और थोड़ा सा आपको अपनी वर्जिश और खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप एक्टर हैं जो कि हम हैं तो और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कब कौन सा किरदार करने को मिलेगा और कब आपको, बहुत बारी आप स्क्रीन पे जो देखते हैं कि यहाँ से भागते 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 गली के उस छोर तक गए, वो उसके लिए बहुत बारी सुबह से शाम तक हम भागते हैं, तब वो स्क्रीन पे वो 30 सेकेंड या 3 सेकेंड में दिखाया जाता है।
तो आपकी ये जो रिंकल फ्री स्किन है, इसका इसके पीछे कहीं ना कहीं योग है जो? नहीं देखिए, रिंकल्स तो हैं जो उम्र के साथ आएंगे, लेकिन हाँ, मैं जब भी, मैंने देखा है कि जब भी मैं रेगुलर अपना थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, जो श्वास का हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो ये रिंकल्स वाकई में कम हो जाते हैं। ये जो लाइन आती है जो उम्र के साथ आएंगी, और उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें वो हम बोलते भी हैं ग्रेसफुली एक्सेप्टेड, पर हाँ उन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर होगा। ये जो कहा जाता है कि इसमें, मुझे लगता है कि कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक है, और अगर आप साफ हवा में जब जब पहुँचें और आप गहरी सांस लेंगे, है ना। जैसे ये कहा जाता है कि अगर आप गहरी सांस लेते हैं या लंबी सांस खींचते हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा, लंबा होगा। लंबा तो मालूम नहीं, लेकिन आप स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं अगर आपने, आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है तो। क्योंकि हम सब लोग ना एक टाइम पे जितना काम चलाओ ब्रीदिंग करते हैं, अगर आप ध्यान से, शैलो ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, तो जब हम एक सांस लेते हैं जो कि उबासी, या जब हम एक गहरी सांस लेते हैं साय, ना वो उसमें वो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है रिपेयर का, वो अपने आप अंदर ऑक्सीजन अंदर लेके जाती है जो कि चाहिए, जो कि ब्रेन को भी चाहिए, हार्ट को भी चाहिए, ब्लड को चाहिए। तो देखा दर्शकों, आपने जैसा कि पवन जी ने बताया कि अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं और अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं आज के योग टिप्स। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें, आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। तो दर्शकों, ये योग टिप्स आपके जीवन में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। हमारे साथ पवन जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पवन जी, आपके फिल्मों के सफर के बारे में हमने जाना, बेहद शानदार सफर रहा है। अवार्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे जब नेशनल अवार्ड मिला था, फकीर एक फिल्म की थी मैंने गौतम घोष जी के साथ, और मुझे उन्होंने फोन करके बताया कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला। I was on a high, मतलब बहुत खुशी हुई थी मुझे। और जिस रोज़ हमें दिल्ली में ये अवार्ड फंक्शन हुआ, तो सुबह प्रेसिडेंट नहीं आते हैं और सभी जो विनर्स हैं वो आते हैं, और उनके साथ एक रिहर्सल की गई थी। अब पता नहीं होती है कि नहीं, एक रिहर्सल हुई थी और सब लोग स्टेज पे ऊपर जाते हैं नीचे, और उस रिहर्सल और शाम को एक्चुअली जब अवार्ड फंक्शन हुआ, उसके बीच में मैं लगातार ये सोच रहा, ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इससे पता चलेगा कैसी एक्साइटमेंट थी मुझे और कितना खुश था मैं वो अवार्ड लेके। आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड गेटिंग दैट अवार्ड। और शाम तक मैं ये सोचता रहा कि प्रेसिडेंट के सामने जाऊँगा तो उनसे क्या कहूँगा, किस तरह से पेश करूँगा। तो मैंने हेलो भी सोचा, फिर मुझे लगा नहीं नहीं, डजंट गो राइट वेल विद, यू नो, यू कांट से हेलो टू प्रेसिडेंट। नमस्कार भी सोचा और इस तरह की चीज़ें सोच रहा था, और शाम तक मैं तय नहीं कर पाया था। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं स्टेज पर सीढ़ी चढ़ के ऊपर बढ़ रहा था प्रेसिडेंट की तरफ, तब तक मैं एक्चुअली तय नहीं कर पाया था। और जैसे ही प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, तो ऑलिव यूनिफॉर्म में, आर्मी के यूनिफॉर्म में ठीक उनके पीछे कोई खड़े हुए थे, और शायद उसकी वजह से वो देखते ही मेरे मुँह से अपने आप निकला जय हिंद सर, जो मुझे लगा बहुत ही अप्रोप्रिएट था। और मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ उस बात के लिए। और देखिए, अवार्ड्स जो होते हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके पीठ पर जब थपथपी होती है ना,
कोई भी कलाकार हो, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूंगा कि जब मेरे काम को सराहा जाता है या कोई तारीफ करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नो, बहुत अच्छा लगता है। कलाकार तारीफ का भूखा है, और मैं बहुत लालची हूँ। कभी कोई अगर कहता है कि फलां फिल्म हमने नहीं देखी और उसकी डीवीडी मार्केट में नहीं मिल रही है, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं कॉपी बना के दूंगा, आप देखिए। मैं चाहता हूँ कि 100 करोड़ लोग काम देखें, और मुझ में ऐसा कोई अहंकार भी नहीं है कि बाग बहादुर जैसी फिल्म या सलीम लंगड़े पे मतरो जैसी फिल्म मुझे समझ में आती है, मैं इंजॉय करता हूँ और बाकी लोग नहीं। अगर वो कहानी अच्छे से सुनाई गई है, बाग बहादुर दूरदर्शन पे इतनी बार दिखाई गई और आज भी हजारों लाखों लोग मुझे मिले होंगे इस पूरी जर्नी में, क्योंकि उस फिल्म को आज ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, जो कहते हैं कि हमें बहुत पसंद आई। एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसने पसंद की, क्योंकि हम वो फिल्म उन तक पहुंचा पाए। जहां तक अवार्ड्स का सवाल है, जैसे चिल्ड्रन ऑफ वॉर है, उसके लिए मुझे फ्रांस में टोपाज फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर इन फॉरेन लैंग्वेज मिला, या मैंने तेलुगु फिल्म जो पहली की उसके लिए मुझे साउथ का फिल्म फेयर मिला और वहाँ का स्टेट अवार्ड मिला, या बाग बहादुर के लिए मुझे बंगाल में अवार्ड मिला। तो वो हमेशा एक खुशी का हिस्सा होते हैं। अवार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, आफ्टर ऑल ऑस्कर में आज तक बड़े से बड़े स्टार और कितने ऑस्कर्स मिले हैं। जैसे अगर हमारे लिए कहा जाता है कि नेशनल अवार्ड विनर, मेरे लिए हाय है वो। आपको बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपका रेट्रोस्पेक्टिव भी हुआ दिल्ली में, कैसा लगा? वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड था। मैंने जो एक फिल्म किया है जन्म तुम्हारे लेख है, उसके लिए आईआईसी में मुझे उन्होंने मैसेज भेजा था कि हमने सुना है आपने वो फिल्म की है, वी वुड लाइक टू शो दैट फिल्म, तो आप दिल्ली आएंगे तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और मैं मिला उनसे, और विद इन 5 मिनट्स आईआईसी में जो कल्चरल ये देखते हैं, उन्होंने मुझसे बोला What if we have your retro? Do you mind it? I said, नहीं नहीं, ये तो किसी भी कलाकार के लिए जो कहते हैं ना ऑनर की बात है, और आप दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर, यू नो। और शुरुआत ऐसी हुई कि उन्होंने बोला सलीम लंगड़े पे मतरो बहुत टाइम से नहीं दिखाई गई, उससे और बाकी और 6 फिल्में हम दिखाएंगे। और एक उन्होंने मुझ पर एक रोज़ एक सेमिनार रखा था जिसमें खालिद मोहम्मद थे और 2 मेरे डायरेक्टर्स थे, बातचीत, उसको उन्होंने दे कॉल्ड इट अनमास्किंग पवन मल्होत्रा। तो और उसमें रिस्पांस बड़ा अच्छा आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि रेट्रोस्पेक्टिव, जैसे राकेश मेहरा जी वहाँ आए थे, उन्होंने सलीम लंगड़ा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उन्होंने एक बात जो बोली वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ऐसे सोच भी नहीं रहा था कि उन्होंने बोला देखिए अभी सब लोग भाग मिल्खा भाग और ब्लैक फ्राइडे में इनकी काम की तारीफ कर रहे हैं, पर इन 6 फिल्मों में वो 2 फिल्में नहीं है, तो सोचिए बॉडी ऑफ वर्क क्या है इसका। बिल्कुल, तो मैं उस तरह से नहीं सोचता था, पर वो जब बोला गया तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब काम सामने से आया, किसी डायरेक्टर ने मुझमें विश्वास दिखाया। देखिए ब्लैक फ्राइडे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया है, या भाग मिल्खा भाग, या सलीम लंगड़ा, या बाग बहादुर, या ब्रदर्स इन ट्रबल जो मैंने एक अंग्रेजी फिल्म की, पर सामने से कोई आया, जैसे मैं तो लंदन में उनको नहीं जानता था, उन्होंने मेरा काम देखा, कोई मेरा काम देख के फिर मुझे लंदन से ढूंढता हुआ आता है, या कोई मेरे काम के बारे में सुनकर या मेरी फोटो देख के बुद्धदेव जी आते हैं कलकत्ता से मुझे ढूंढते हुए, और वो अपनी ऐसी फिल्म का हिस्सा बनाते हैं जहाँ पर यू आर प्लेइंग अ टाइटल रोल, और अगर आप गलत चले जाएं, इफ यू गो रॉन्ग दैट फिल्म डजंट वर्क, देन उसके बाद अच्छा या बुरा तो आप तभी करेंगे जब आपको वो किरदार मिलेगा करने के लिए। बिल्कुल, और सामने से कोई देता है आके, तो दैट वे आई हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड। और जितना भी हिस्सा, जैसे आपने बोला कि स्टार एक आपको लगता होगा वो वहां है, नहीं, मैंने अपनी एक अपनी जगह बनाई। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री का कॉलाज है, हो सकता है बिल्कुल सेंटर में मेरी फोटो एक बड़ी सी ना लगी हो, लेकिन इसके एक कोने में मैंने अपना एक डॉट लगाया जो कि वो मेरा, दैट्स माय कॉर्नर। यस, आपने दिल्ली 6 भी की है, आप खुद पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रहने वाला नई दिल्ली का हूँ, मेरे फादर का ऑफिस पुरानी दिल्ली में था। अच्छा, तो कितना कनेक्शन आपको फील हुआ जब आप दिल्ली 6 कर रहे थे, कितना अपनायत सी लगी कि अपने घर में आए हैं? अक्सर पुरानी दिल्ली जाते थे, हमारे फादर का ऑफिस था और हमने थोड़े वहाँ काम भी किया, वहाँ टहलते भी थे कुछ ना कुछ, एज एन एक्टर शायद कॉन्शियसली बाद में आप वो चीज़ें उठाते। मेरे लिए दिल्ली 6 का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था कि बहुत सारे लोग आके मुझसे ये कहते हैं कि आप तो चांदनी चौक के ना, पुरानी दिल्ली के ना, कि नहीं नहीं मैं वहाँ का नहीं, मैं तो न्यू राजनगर का हूँ, पर दिल्ली 6 में तो आप लगते थे कि वो है। तो दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि अगर लोग ये सोचते हैं कि वहीं का हूँ और बिल्कुल सही निभाया तभी वो ऐसा सोच पा रहे हैं। तो इस तरह का जो जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो एक्टर के लिए वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है कि आप तो वही हैं या वही सोचते हैं।
रमन जी, अगर फिल्मों की बात की जाए तो आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, कौन सी फिल्म आपके दिल के ज्यादा करीब है? ये बिल्कुल सच है। देखिए, दो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सी फिल्म दिल के करीब है और किस तरह का रोल करना चाहते हैं। मैं कैसे कह दूं कि सलीम लंगड़ा मतलब मेरे लिए बाग बहादुर से ज्यादा प्रिय है। दोनों की अपनी जगह, दोनों अलायदा फिल्में हैं, दोनों अलग किरदार हैं, है ना। और ये जैसे कहते हैं अनदर फेदर इन योर कैप, तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई भी अपने मेडल्स का प्राउड होता है ना, जैसे आर्मी वाले यहाँ लगा के घूमते हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए कि ये वाले के ज्यादा मायने हैं या ये वाले के मायने हैं ना, उसके लिए हर एक के लिए सारे फिल्में बराबर हैं। इट्स अनदर फेदर इन माय कैप। और मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क रहा है, मैंने कोशिश की है कि अलग-अलग अलग-अलग काम किया जाए, अलग अलग किया जाए, किरदार को जो स्क्रिप्ट आई है उसको समझ के जो वहाँ जो ज़रूरत है वो वहाँ पूरी की जाए। और अभी तक ऐसा हुआ भी है कि जैसे पंजाब में वो एक लड़का मेरे पीछे पड़ा होता है, बाग बहादुर की डीवीडी दे दीजिए, हम थिएटर करते हैं, और हमारे सर जो हैं वो हमेशा कहते हैं इस एक्टर को वॉच कीजिए और बाग बहादुर तो ज़रूर देखिए। और या इंस्टीट्यूट्स में जब मुझे कभी बुलाया जाता है, जहाँ पर मीडिया स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स में जब बात करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ जा सकता हूँ जहाँ किरदार की बात की जाए, तो मेरा काम दिखा लीजिए। कि अगर कोई ये सोचे कि भाई स्टार कैसे बनते हैं या फलां फिल्म मेकर को कैसे मिलते हैं, तो ये नहीं बता सकता हूँ। लेकिन द फैक्ट दैट दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स विच आई प्लेड, माई अप्रोच टू वर्ड्स माई वर्क, और मुझे अच्छा भी लगता है उनके साथ बात करना, है ना। तो वो तो एक अचीव किया है ना, वो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन। चलिए, हमारे दर्शकों के लिए अपनी किसी फिल्म का जो डायलॉग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, वो डायलॉग हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, हमने तो हर फिल्म में अलग अलग तरह के डायलॉग बोले, पर एक छोटा सा बोल देता हूँ जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं। वो जब भी मेंट में कहता है असी कोई खोते हैं, सो पीपल लव दैट। पर हम इस तरह से देखिए, हम वो एक पहले होता था ना कि डायलॉग्स याद है और अब स्टेज पे बोलते हैं, तो हम उस तरह से हम तो किरदार वो वहाँ छोड़ देते हैं। या चिल्लाना, जैसे ब्लैक फ्राइडे में चिल्लाता है, और सलीम लंगड़ा में इस तरह के बहुत सारे हैं। सलीम लंगड़ा का कोई डायलॉग, या बाग बहादुर में एक है कि वो शराब पी के बोल रहा है, जब उसका डांस नहीं अप्रिशिएट हो रहा, तो वो कहता है कि हम एक महीना ये जब आते हैं यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हमें हमारी इज्जत करते हैं, हमें प्यार देते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम जिंदा हैं। वो जिंदा नहीं बोलता है, वो बोलता है हम जिंदा हैं। तो वो जो एक लाइन है ना, कि आर्टिस्ट जो है उसको कोई भी आर्टिस्ट अगर कहता है ना कि अरे जब लोग मुझे पहचानते हैं या मेरे काम के लिए मुझे सराहते हैं या मुझे ये कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवानी है या ऑटोग्राफ मांगने, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, झूठ बोलते हैं। या मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि कोई किसी का, मुझे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं या काम को, पुराने काम को याद करके, जो कि हम भी शायद भूल चुके हैं जी, या आपकी फिल्मों के किरदार अलग अलग याद करते हैं, या कुछ जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं या सिनेमा में हैं, वो आपको इस तरह इज्जत से मिलते हैं कि आपके सामने झुकते हैं, कि आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है कि नहीं नहीं, पर वो आपके काम को सराह रहे हैं। वो मुझे तो पर्सनली नहीं जानते, और पर्सनली मैं इन सब किरदारों में से कुछ नहीं हूँ, ना मैं बाग बहादुर हूँ, ना मैं सलीम हूँ सलीम लंगड़े पे मतरों का, ना मैं टाइगर। लेकिन उस किरदार से जब याद किया जाता है, कोई आपको पूछता है, तो सच मानों में बहुत अच्छा लगता है। आज हम और आप मंडी हाउस में बैठे हैं, दूरदर्शन भवन में बैठे हैं, और यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी। 70 के दशक में आप यहीं पर जो है एक्टिंग किया करते थे, मंडी हाउस में ही आप थिएटर करते थे। तब के थिएटर में और आज के थिएटर में आप क्या फर्क देखते हैं? चेंज तो जीवन है, चेंज आता रहेगा। 60s की फिल्में, 30s की फिल्में जो थी, वो साइलेंट एरा से शुरू किया था। अशोक कुमार जी जब शुरू की फिल्में देखे अच्युत कन्या, तो ऐसा सिंग सॉन्ग बोल रहे हैं कि हमने कहा था, है ना। और कहानियों में भी चेंज आएगा, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, और वो चेंज बहुत जरूरी है ना। तो फर्क तो है, टीवी में भी फर्क है, थिएटर और फिल्म और कहानी वही है। प्रेमचंद वही कहानी लिखेंगे जो उस वक्त सोसाइटी में चल रहा है, मन तो वही बताएंगे, मतलब जो उनके समाज का आईना है, उस समय समाज में क्या हो उसमें रहा है, इमेजिनेशन भी है बिल्कुल, और इमेजिनेशन भी एक सच्चाई है बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, जो ख्वाब है आपके, यू नो, और जो आप सोच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, क्योंकि वो एक तब्दील हो रहा है, वही आप उड़ा, वो उड़ान भी एक, जो परियों की कहानी भी अपने आप में बच्चों के लिए एक सच्चाई है। पवन जी, आप दूरदर्शन में आए और हमसे इतनी खास बातचीत की, हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे मौका मिला
दूरदर्शन के दर्शकों तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतना लंबा जो मैंने 30 साल बिता लिए और भगवान जाने कितना टाइम बिता सकूंगा, पर आखिर तक काम करते रहना चाहूंगा, और वो बिना ऑडियंस के देखने वालों के साथ और सपोर्ट के अलावा नहीं हो सकता था। तो मैं सिर इससे ख़त्म करूंगा कि हम सब भारतवासी मिलजुल कर रहें, अपने देश को आगे बढ़ाएं और जात पात को भूल के सब हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। जय हिंद। तो ये थे हमारे ख़ास मेहमान पवन मल्होत्रा जी, जो कि वर्सेटाइल एक्टर है और उन्होंने हमसे इतनी ज़्यादा ख़ास बातचीत की और आप लोगों के लिए ये ख़ास संदेश भी दिया। इसी के साथ आज सवेरे के हमारे आज के इस ख़ास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें लिखते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है। अगले हफ्ते किसी खास मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।